उपचुनाव होने को चंद दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में भाजपा व कांग्रेस दोनों दलों के नेता कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। इसी क्रम में पालिया सेक्टर के भाजपा कार्यकर्ताओं ने एडवोकेट मुकेश चौहान के नेतृत्व में भाजपा को जिताने का संकल्प लिया। दरअसल बीते दिनों सांवेर क्षेत्र के पाल काकरिया में सीएम शिवराज सिंह चौहान की एक आम सभा हुई, जहां भारी जन सैलाब उमड़ा। इसी के तहत विभिन्न क्षेत्रों के लोग जनसभा में पहुंचे। वहीं पालिया सेक्टर से मुकेश चौहान के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पालिया सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोग सीएम की सभा को सुनने के लिए पहुंचे, जहां भाजपाइयों ने प्रत्याशी तुलसी सिलावट को भारी मतों से जिताने का संकल्प लिया और जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान एडवोकेट मुकेश चौहान, जीवन सिंह सोलंकी, राजपाल सिसोदिया, बहादुर सिंह डाबी, महेश चौधरी, लोकेश चौहान, पंकज हेमिने, जगदीश सहित कई लोग मौजूद रहे। सावेर सीट में उपचुनाव होने को है और आप आज सभा है, सीएम साहब की क्या कहेंगे? सावेर सीट पे जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें सीएम साहब का जो आगमन हुआ है, इस क्षेत्र में वैसे भी कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। राजेश सोनकर जी ने इतने विकास कार्य कर दिए हैं और सीएम साहब आ रहे हैं, उनकी इच्छा से आ रहे हैं और हमारे जो कार्यकर्ता उनमें जोश डालने आ रहे हैं, जैसे तो हम बहुत सक्षम हैं और हम चुनाव जीत रहे हैं और 101% हम चुनाव जीते। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग सब पालिया सेक्टर के लोग हैं और पालिया सेक्टर से करीब करीब हमारे हमारे सहयोगी जीवन सिंह जी भी उपलब्ध हैं और पालिया सेक्टर की गिनती के लिए मनोज पटेल जी ने उनकी टीम को लगा रखा है यहाँ पर, और रूप सिंह जी चौहान साहब और बहादुर सिंह जी डाबी साहब, इन लोगों को लगा रखा है पालिया सेक्टर से। ये लोग संतुष्ट हैं, इतनी पब्लिक पालिया सेक्टर से आ चुकी है। आपका परिचय? मैं मुकेश चौहान, एडवोकेट, मंडल महामंत्री और सेक्टर प्रभारी पालिया। 2400 करोड़ की नर्मदा योजना आपके इधर आई है, क्या कहेंगे? ये तो एक बहुत ही अच्छा कार्य किया है, सभी गांव वालों को इसकी बहुत ज़रूरत थी। और शिवराज जी तो गांव के और गरीब के और किसान के नेता हैं और वही इसकी चिंता करके और यहाँ लाए, और तुलसी भैया का अथक प्रयास इस पर रहा है और उसका परिणाम अच्छा मिलेगा। क्या कहेंगे, कितने वोटों से जिताएंगे आपने? अब हमारा तो अनुमान है कि कम से कम 25,000 से ऊपर जाएंगे। डिप्टी सीएम बनाओगे उन्हें? अब ये तो संगठन देखेगा। आपका सिंह चौहान, जिला पंचायत। बड़ी संख्या में आए सीएम की सभा में, क्या कहेंगे? देखिए साहब, किसान 15 महीने से परेशान था। किसानों ने 15 साल की शिवराज की सरकार देखी, 15 माह की कमलनाथ की देखी और 6 माह की यह सरकार देखी। इस सरकार में किसानों को जो बोनस, फसल बीमा, ये एक भी किसानों के खाते में जब से कमलनाथ की सरकार बैठी थी किसानों में त्राही त्राही थी। ज़्यादा क्या बात करूँ साहब, शिवराज सिंह जी चौहान ने जो संबल योजना चालू करी थी, गरीब व्यक्ति मरता था उसके यहाँ शिवराज सिंह जी चौहान 5,000 रुपये कफन के भेजते थे, वो भी कमलनाथ जी ने कफन के पैसे भी गरीब जनता के खा गए। और हमारी माता बहनों को जो उन्होंने झूठा प्रलोभन दिया समूह की बहनों को कि हम तुम्हारा लोन माफ़ कर देंगे, बेचारियों का लोन ऑडियो हो चुका और वो दूसरा उनको जो लोन लेना था वो लोन नहीं ले पा रही। किसान कई बेचारे ब्याज दे रहे हैं और कई किसानों को आज ये स्थिति है कि 2019 का बीमा नहीं मिल पाया, ये कमलनाथ की देन। और शिवराज सिंह जी चौहान ने जैसे ही बैठे और हमारा 2018-2019 का बीमा दिया और जो किसान छूट गए थे 28 गांव हमारे अभी के, उसमें शिवराज सिंह जी चौहान, माननीय तुलसीराम जी सिलावट जी को हमने बताया, तुरंत हमारे खाते में पैसे डालने शुरू। आपका परिचय? मेरा परिचय जीवन सिंह सोलंकी, पूर्व सरपंच और पालिया सेक्टर का अभी प्रभारी, सह प्रभारी।